नमस्कार। हनुमानगढ़ के चर्चित मामला मंजू अग्रवाल देवपाल रैकेट का आया है फैसला। आपको बताना चाहेंगे कि विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने जानकारी देते हुए बताया गया है कि 2 अप्रैल 2017 को महिला थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था और इसका फैसला आ चुका है, जिसमें 19 आरोपियों में से 13 जनों को बरी किया गया, जबकि एक आरोपी रामचंद्र और फौजी 25 को मामला न्यायालय में विचाराधीन रखा गया है। इस मामले में 2 अप्रैल 2017 को जो मामला महिला थाना में दर्ज हुआ था, काफ़ी चर्चा में रहा था। हनुमानगढ़ के अंदर जो मामला पीड़िता दिल्ली से लाई गई थी, मंजू अग्रवाल इस मामले में देववार का अड्डा हनुमानगढ़ में लंबे समय से चला रही थी, इसीलिए मुकदमा दर्ज हुआ था। 19 जनों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया था और इस मामले के अंदर 27 गवाह भी पेश किए गए, 102 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए और न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए 19 आरोपियों में से 5 पार दोषी कर दिया और 13 जनों को दोष मुक्त भी कर दिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी का इस फैसले के संबंध में क्या कहना है, सुनिए। आज मंजू अग्रवाल केस में माननीय न्यायालय पोक्सो के न्यायाधीश श्री मदन गोपाल जी आर्य ने सजा सुनाई, जो इस प्रकार है। मंजू अग्रवाल, सोनू अग्रवाल एवं मुकेश अग्रवाल को धारा 347 के अंतर्गत 3 वर्ष की सजा, 500 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। 328 में 5 वर्ष की सज़ा, 2000 रुपये जुर्माना। 368 में 3 वर्ष की सज़ा, 500 रुपये का जुर्माना। 376(2)(n), 376(d), सहपठित धारा 109(5)(g)(l/17) के तहत 10 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये का जुर्माना व अदम अदायगी की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं पीटा एक्ट की धारा 3 के तहत 1 वर्ष की, धारा 5 के तहत 3 वर्ष की और धारा 6 के तहत 7 वर्ष की सज़ा व इन तीनों में 2,000 रुपये का जुर्माना व अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं जगतार सिंह और गुरजन सिंह को धारा 376(3)(d)(5)(g)(5)(l/6) पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास, 50,000 रुपये का जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। और धारा 377 के तहत 10 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये का जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।